हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। आज हम बनाएंगे अरवी के पत्ते के पकौड़े। देखिए, इस तरह से हम इसको धो करके अरवी के पत्ते को साफ कर लिए हैं। इसको हम अच्छे तरह से धुलेंगे क्योंकि नीचे छोटे छोटे कीड़े वगैरह रहते हैं। इसको हमको ध्यान से देख के धुलना है, मिट्टी भी रहता है। इसी तरह से हम सारे अरवी पत्ते को धुल करके साफ कर लिए हैं। अब इसको हम काटने की तैयारी कर रहे हैं। देख सकते हैं, इसी तरह से हम सारे अरवी पत्ते को इकट्ठा कर लेंगे। उसके बाद से इसको हम अच्छे से बारीक काट लेंगे। बहुत ही अच्छा बन करके तैयार होता है। देखिए, इसी तरह से हम सारे अरवी पत्ते को काटेंगे। बहुत मोटा नहीं काटना है। इसी तरह से हम फिर से बचे हुए अरवी पत्ते को इकट्ठा कर करके काट लेंगे। देख सकते हैं, डंठल पहले हम काट करके निकाल दिए हैं। डंठल इसमें नहीं यूज करना है, खाली पत्ता को काटेंगे और इसी तरह से हम काटेंगे। डंठल नहीं बना सकते, बना भी सकते हैं, किसी को पसंद है कोई बनाता है, हमें नहीं पसंद हम नहीं बना रहे हैं। पर पत्ता का पकौड़ी बहुत ही अच्छा होता है। देखिए, सारे पत्ते को काट के हम तैयार कर लिए हैं। देख सकते हैं, अब इसी में हम डालेंगे बेसन। जितना पत्ता है उसी हिसाब से हम बेसन डालेंगे। ऐसा नहीं कि हम खूब सारा बेसन डाल दें या कम डालेंगे तो पकड़ेगा नहीं। पत्ते को पकड़ना है बेसन को अच्छे से। और इसी में हम मिर्चा पाउडर डाल रहे हैं अपने तीखा अनुसार। पत्ते में थोड़ा ज़्यादा ही तीखा चाहिए क्योंकि ये पत्ता है। स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा हल्दी डालेंगे। थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे और इधर थोड़ा सा सब्जी मसाला डाल दिए हैं। अब इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। इसको हम देखते हैं कि पहले मिक्स करके देख लेंगे कितना हमें पानी चाहिए, उसी हिसाब से हम पानी डालेंगे। नहीं तो हम पहले पानी डाल देंगे तो ये ज़्यादा गीला हो जाएगा, बेसन ज़्यादा लगेगा और बेसन ज़्यादा हो जाता है तो पत्ते की पकौड़ी खाने में मज़ा ही नहीं आता है। देख सकते हैं, मिला लिए हैं। थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे, एक ही बार में ज़्यादा पानी नहीं डालना है। देखिए, इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी करके डाले हैं और इसको मिक्स कर रहे हैं। हमें लग रहा है बेसन थोड़ा कम है, अच्छे से पत्ते को पकड़ा नहीं है, इसलिए हम थोड़ा और बेसन डाल दिए। थोड़ा और बेसन डाले तो पानी भी थोड़ा और चाहिए। देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी हम लगाएंगे, आप देख सकते हैं। और इसी में हम खूब सारा हींग डालेंगे क्योंकि ये अरवी का पत्ता है, इसमें हींग तो चाहिए। और थोड़ा सा हम इसी में नींबू डालेंगे, ये भी बहुत ज़रूरी है, स्वाद भी बढ़ाता है। आप देख सकते हैं, इसी तरह से हम सारे चीज़ों को डाल करके और मिक्स करके अच्छे से तैयार कर लिए हैं पकौड़ी बनाने के लिए। इधर हमारा तेल गरम हो रहा है, तब तक हम पकौड़ी का टिक्की बना लेते हैं, बना के रख लेंगे फटाफट। तेल गरम हो जाएगा तो उसी में हम डालेंगे। देखिए, तेल गरम हो गया है, एक एक करके हम अच्छे से कढ़ाई में सजा लेंगे। और अच्छे से तेल गरम करके फिर इसको हमें मीडियम फ्लेम पे कर देना है क्योंकि ऊपर से जल जाएगा, अंदर से पकेगा नहीं, इसलिए हाई फ्लेम पे नहीं बनाना है, मीडियम फ्लेम पे बनाना है। आप देख सकते हैं, एक तरफ से अच्छे से पक चुका है, फिर इसको हम दूसरी तरफ पलट रहे हैं। कितना अच्छा क्रिस्पी फुला फुला पकौड़ी बन रहा है।
इतना बच गया, इसको हम फिर से डाल के बना लेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट लाजवाब अरवी के पत्ते का पकौड़ी बन करके तैयार हो चुका है। देखिए इसको हम निकालेंगे, आप देख सकते हैं कितना ही क्रिस्पी लग रहा है। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए प्लीज़। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।